नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। राजगढ़, आने वाले समय में प्रदेश में होने वाले एक लोकसभा व 3 विधानसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नामों के लिए राजगढ़ में व्यापक स्तर पर मंथन हो रहा है। बुधवार को होटल संस्कृति पैलेस में प्रदेश भाजपा के 55 से अधिक पदाधिकारियों की अहम बैठक रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री व प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन के बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक चलने वाली इस बैठक में जहां एक ओर संगठनात्मक गतिविधियों को जमीन पर उतारने पर चर्चा हो रही है, तो वहीं संगठन को मजबूत करने पर भी विचार किया गया। बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भगवत सिंह कुशवाहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक पश्चात पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजगढ़ के लिए हमारे पत्रकार मित्र भोपाल के लिए, तो भोपाल वालों का भी बहुत बहुत अभिनंदन राजगढ़ में। आज विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों की हमारी बैठक आज चल रही है। कल से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी मीटिंग हमारी थी पर कल शाम को थी और आज प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है। इस बैठक में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठनात्मक काम की दृष्टि से कार्य विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण और हमारे जो सभी पदाधिकारी हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो हमारा एक ऑफिशियल टीम है, उस टीम की हमारी भूमिका, हमारे काम के जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि कार्य विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण में हम सब कार्यकर्ताओं की अपनी भूमिका और प्लानिंग, इस पर आज लंबी बातचीत हमारी हुई है। अभी तक के हमारे अभियान चले हैं उनके बारे में हम सब लोगों ने बात की है। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के काम की दृष्टि से जो मैंने कहा कि ये जो वर्ष है ये संगठन पर्व का वर्ष है, श्रद्धेय कुशव ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण हम सब लोगों ने तय किया कि जो वर्ष है ये वर्ष अपने संगठन के कार्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में हमारी रणनीतिक तैयारी क्या हो, इस पर आज दिन भर से तैयारी हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे ऐसे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो मध्य प्रदेश के हैं वो भी आज इस बैठक में सम्मिलित हैं। काम में कहां पर कमजोरी है और 7 अक्टूबर को इस अभियान के समापन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश के अंदर 25,019 स्थानों पर जो पहले हमारा अभियान चला था, हम लोग मिलकर के फिर माननीय विधायक, माननीय सांसद, जनप्रतिनिधि सब जगह जाकर के लोगों के अन्न वितरण के अभियान में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे कि हर गरीब तक ये सुविधा पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ऐसे कई प्रकार के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे इस अभियान में जुटेंगे। एक बात की मैं जानकारी आपको जरूर देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अन्न उत्सव के अभियान में लगी, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के अभियान में लगी, लेकिन हमें गर्व है इस बात का कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि कोविड के महामारी के संकट में जिस प्रकार की समस्याएं देश के अंदर खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक भूमिका के साथ प्रभावी सामाजिक भूमिका का निर्माण करेंगे, तो हम उस भूमिका में भी आने का जो प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ तक हमारे स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की श्रृंखला खड़ी करेंगे। आज मैं आपको बताने में गर्व महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी संगठन के लोगों ने, सभी मोर्चों ने मिलकर के यह तय किया है कि पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश में
65,000 हमारे बूथ हैं, 1,070 मंडल हैं, तो जिले में 4 लोगों की टीम, इसमें एक डॉक्टर, एक महिला, 2 कार्यकर्ता, मंडल के अंदर एक डॉक्टर, एक महिला, 2 कार्यकर्ता और प्रत्येक बूथ पर एक महिला और 3 नौजवान कार्यकर्ता। आज तक के आंकड़े में 40,000 बूथों से ऊपर 1,25,000 स्वास्थ्य स्वयं सेवक खड़े हो गए और केवल खड़े नहीं हो गए, उनको प्रशिक्षण मिल रहा है लगातार मंडल स्तरों पर और प्रशिक्षण देकर के उनको ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह इस प्रकार की किट बना करके माननीय राष्ट्रीय जगह के आह्वान पर हम लोग लगातार इस काम में लगे हैं। आपके खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.